हुकुम जी, आज आपसे कोई एक चीज़ शेयर करनी है। ये देखें, कराची में जिना अस्पताल में दर्जनों इमारतें हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इलाज की सहूलियात हैं, लेकिन एक बिल्डिंग ऐसी है जहाँ मिलने वाले इलाज की सहूलत मुफ्त दुनिया भर में कहीं नहीं। ये ऐसा जादुई इलाज है जो सिर्फ चंद घंटे में कैंसर से मुकम्मल निजात दिला देता है। सर्जरी होती है, ना ही कोई तकलीफ। ख़ास बात यह है कि 50 लाख के इस ट्रीटमेंट में मरीज का पैसा भी एक पैसा ही खर्च नहीं होता। यहाँ जिक्र हो रहा है साइबर नाइफ का, एक ऐसा रोबोट जो ट्यूमर का जड़ से खात्मा कर देता है। साइबर नाइफ से बयक वक्त 1200 एंगल से शाएँ निकलती हैं, जिसके बायस ट्यूमर का शिकार रेडियो सर्जरी की निस्बत ज़्यादा आसान और महफूज होता है, और कामयाबी की शरह 99% तक है। यहाँ इलाज के लिए किसी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई तवील इंतज़ार की झंझट। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टेज 1 और 2 के कैंसर के मरीज के इलाज साइबर नाइफ से मुमकिन है। मरीज़ की आंखों के सामने रोबोट अपना काम अंजाम देता है, और चंद ही घंटों में मरीज़ सेहत याब होकर अस्पताल से घर रवाना हो जाता है। जादुई छुरी से होने वाला इलाज तो हैरान कन है, साथ ही इस इदारे का कामयाब भी किसी मुआवजे से कम नहीं है। तकरीबन 7 साल कबल एक पाकिस्तानी का अमेरिका में साइबर नाइफ के ज़रिए इलाज हुआ। सेहत याब होने वाले नौजवान ने 40 करोड़ से ज़ायद के रोबोट साइबर नाइफ को पाकिस्तान लाने की ख्वाहिश का इजहार अपने साथियों से किया। ख्वाहिश को हकीकत का रूप देने के लिए पाकिस्तान एड एंड फाउंडेशन मैदान में उतरी। कारवां आगे बढ़ता गया, काफिला बनता गया। आखिर में जब सात आठ करोड़ का खसारा रहा, तो ईदी साहब ने सिर्फ एक सवाल पर भारी रकम अतिया कर दी कि क्या इससे गरीबों का मुफ्त इलाज मुमकिन होगा। 5 साल के दौरान अब तक 5000 अफराद साइबर नाइफ से मुस्तफीद होने हुए हैं, जिनमें बैरून मुल्क से आने वाले मरीज भी शामिल हैं। सबसे ख़ास बात कि दुनिया में सिर्फ 250 साइबर नाइफ रोबोट्स हैं। इसमें से सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां 50 लाख रुपए की सर्जरी बिल्कुल मुफ्त की जाती है। यही नहीं, इस अदारे में रोज़ बरोज़ टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। हाल ही में बेड स्कीन्स मशीन भी नस्ब कर दी गई है,